हेलो गाइस, वेलकम टू आर के बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम, दैट इज फाइलम प्लैटिहेलमिंथीज। हमने इससे पहले डिस्कस किए थे तीन फाइलम, जो हमने अच्छी तरह डिस्कस किए थे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, हमने फाइलम पॉरीफेरा, सेलेंटेटा एंड देन टीनोफोरा भी स्टडी किया था। टीनोफोरा में हमने एग्जाम्पल्स देखी थी कुछ इंपॉर्टेंट, और साथ में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, इसलिए एनसीईआरटी से बाहर हमें नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम प्लैटिहेलमिंथीज। फाइलम प्लैटिहेलमिंथीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम है। ठीक है, फाइलम प्लैटिहेलमिंथीज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? फाइलम प्लैटी का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली फ्लैट। क्या होता है? फ्लैट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हेलमेंथीज का मीनिंग क्या होता है? वॉर्म। तो ये आपको याद रखना है, फाइलम प्लैटी हेलमेंथीज को क्या कहते हैं? फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, फ्लैटेंड बॉडी होती है, तभी मैंने कहा फ्लैट वॉर्म। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी कैसी होती है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, तो ये आपको याद रखना है, तभी इनको क्या कहते हैं? फ्लैट वॉर्म कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद जो है ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं। अगर एंडो पैरासाइट्स होंगे तो इतना जो जो इसका जो इंटेस्टाइन होगी, ठीक है, इंटेस्टाइन होगी अगर, तो क्या वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होगी कि जो मेजर ऑर्गन होंगे वो क्या कर चुके होंगे? शेड कर चुके होंगे। अगर जो जो भी ऑर्गेनिज्म एंडो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, उनको क्या मिलेगा? ब्लड डायरेक्टली मिलेगा। ठीक है, अगर किसी की बॉडी के अंदर है तो उनको क्या मिलेगा? फूड जो है वो डायरेक्टली मिलेगा, तो उसकी जो इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे देखिए, दे आर मोस्टली एंडो पैरासाइट एंड फाउंड इन द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, क्या सिमिट्री कैसी होती है? सिमिट्री पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। सिमिट्री कैसे होती है? बायलेटरल सिमिट्री। बायलेटरल सिमिट्री वाल होती है, और ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, और सिलोमेट असिलोमेट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, फ्लैट वर्म कैसे होते हैं, असिलोमेट। तो ये आपको याद रखना ही रखना है। हमने तीन चार पॉइंट डिस्कस किए अभी तक, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है, और कैसे होते हैं? फ्लैट वर्म होते हैं, ये आपको याद रखना है, और एंडो पैरासाइट्स होते हैं, और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। उसके बाद हमने देखा ये कैसे होते हैं, इनमें बायलेटरल सिमिट्री होती है, उसके बाद ट्रिप्लो प्लास्टिक होते हैं, और असिलोमेट एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा याद रखना है, मतलब हम देखेंगे एपिडर्मिस एंड देन एंडोडर्मिस के जो बीच में कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे सिलोम क्या होता है, आपको सिर्फ याद रखना है असिलोमेट होते हैं। क्या? फ्लैट वर्म जो है वो कैसे होते हैं? असिलोमेट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, हुक्स एंड चक्कर, हमने कहा एंडो पैरासाइट। ठीक है, एंडो पैरासाइट की बात की तो मतलब इसमें क्या होंगे? हुक्स भी होंगे और चक्कर्स भी होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हुक्स एंड चक्कर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके कहते हैं सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेस। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एंडो पैरासाइट है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को। और इसमें आपको याद क्या रखना है, अब जो आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, याद रखना है आपको क्या? स्पेशलाइज सेल। ठीक है, स्पेशलाइज सेल कौन से? फ्लेम सेल्स, यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए फ्लेम सेल्स क्या करेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे और एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प कौन करेगा? फ्लेम सेल। ये आपको याद रखना है पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर अब दिखेगा आपको, यहाँ पे देखिए फ्लेम सेल और क्या, किस में हेल्प करेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है कि फ्लेम सेल किस में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपको याद रखना है इसमें मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल में क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे देखिए सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, बायसेक्सुअल एनिमल होते हैं, याद रखना आपको क्या होता है, बायसेक्सुअल एनिमल होते हैं। जैसे आप ले लो किसकी एग्जाम्पल, अर्थ वार्म। ठीक है, अर्थ वॉर्म जो है वो क्या है? बायोसेक्सुअल एनिमल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसका फर्टिलाइजेशन की बात आती है, फर्टिलाइजेशन आपने अर्थ वॉर्म के बारे में अगर स्टडी किया होगा तो कैसे होती है? इंटरनल। और डेवलपमेंट क्या होती है? थ्रू मैन लार्वल स्टेजेस, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, ये आपको याद रखना है। इसके कुछ मेंबर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, प्लानेरिया। प्लानेरिया जो है ये हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है इसमें। प्लानेरिया जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लानेरिया की, आपको याद रखना है। पूछेंगे आपको फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 11th का, उसमें भी आता है प्लानेरिया इंट्रोडक्शन में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या आपको याद रखना है, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऐसे टीनिया। टीनिया किसको कहते हैं हम? टेप बॉम। और फेशियोला हेप्टिका, लीवर फ्लूक। ठीक है, फेशियोला हेप्टिका, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा, लीवर फ्लूक आपको याद रखना है, लीवर फ्लूक। ठीक है, लीवर फ्लूक आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखनी रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आता है, इसकी
दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है, डॉर्सर डॉर्सल और वेंट्रली, ठीक है। हम जानते हैं ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको सीधे याद रखना, इतना ज़्यादा वो नहीं। आपको क्या करना है उसके बाद क्या याद रखना है, एंडो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। एंडो पैरासाइट ह्यूमन में भी होते हैं, याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल, ये आपको याद रखना है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। हुक्स एंड सकर्स के बारे में आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो हुक्स एंड सकर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म्स में, और ये डायरेक्टली क्या करते हैं, होस्ट से जो है एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को, ठीक है। और इसमें आपको क्या याद रखना है, स्पेशलाइज सेल, जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको, स्पेशलाइज सेल्स जो हैं इनको क्या कहते हैं हम, फ्लेम सेल्स। यहाँ पे देखिए फ्लेम सेल्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फ्लेम सेल्स कहते हैं, हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जैसे कि हमने कहा, ये कौन से होते हैं, बाय सेक्शुअल एनिमल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है, इसका जो प्लानेरिया जो मेंबर है इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्लानेरिया, प्लानेरिया जो है इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। मतलब अगर ये एक सपोज करिए प्लानेरिया, ठीक है, अगर ये कट कर जाए तो ये दोबारा से रीजनरेट कर जाएगा टू इंडिविजुअल में, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। अदर ऑर्गन जो थे वो भी हमने डिस्कस किए, सॉरी अदर ऑर्गन नहीं, हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की, टेप वॉर्म एंड फेस्यूला, ठीक है। टेप वर्म को टीनिया, ठीक है, टीनिया सोलिनम इसका पूरा नाम है, टेप वर्म को हम बोलते हैं, याद रखना है आपको। उसके बाद जो है फेस्यूला आपको याद रखना है, लीवर फ्लूक, ठीक है। तो एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, लार्वल स्टेजेस जो है प्रेजेंट होती है, हमारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो हमें इतना ज़्यादा नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी डायग्राम्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए डायग्राम जो है वो डायग्राम जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे किसकी किसकी डायग्राम दी है, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, लीवर फ्लूक, ठीक है, सॉरी टीनिया, और ये कौन सा हमारा, फेशियोला हेप्टिका। तो ये आपको याद रखना है। उसके आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।